महाविकास आघाड़ी में भले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन उसके जो सहयोगी दल हैं वो अपने उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने 5 उम्मीदवारों के नाम अपने ऐलान किए हैं। मेरे साथ हैं अबू आजमी जी। अबू जी, ये जो 5 नाम आपने ऐलान किए, ये महाविकास आघाड़ी के सहमति से किए या फिर आप जैसा कह रहे थे कि वो किसी पार्टी में बुला नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, सीटों की बात पे बात नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आपने ये ऐलान किया? मैंने सहमति से किया, मैंने मतलब सहमति मतलब उनका निगेटिव नहीं था, मैंने जब मैंने बात किया था तो पॉजिटिव ही था, लेकिन मैं ऐलान नहीं कर सकता था। मुझे श्री अखिलेश यादव जी जो इंडिया अलायंस के एक अहम रुकन हैं, उन्होंने कहा कि आसिम भाई बिल्कुल ऐलान नहीं करना है, मैं खुद स्वयं देखना चाहता हूँ कि जिन सीटों पर आप चाहते हैं आपके पास उम्मीदवार मौजूद है, मैं उन सीटों का जायज़ा लेना चाहता हूँ कि उस पर आपकी ताकत अपनी ताकत है कि नहीं है। तो मैंने कहा जाइए आप, तो वो भिवंडी आए, भिवंडी के लोगों को बुलाया उन्होंने, तो भिवंडी की सीट जो है ना 99 से आज तक कभी भी कांग्रेस चुनकर नहीं आई, बीजेपी चुन के आती है। पिछली बार हम सब एक साथ थे, MIM वाले जो है हमने वहाँ नहीं खड़ा किया था, तो MIM को बहुत अच्छा वोट मिला था और वहाँ पर बीजेपी चुन के आ गई, और अभी भी अगरचे वहाँ पर मुझे नहीं मिलेगा टिकट तो फिर MIM वहाँ लड़ेगी और फिर MIM में और कांग्रेस में लड़ाई होगी और बीजेपी चुन के आएगी, और जब मैं खड़ा करूँगा ना तो मुझे वहाँ का वोट मिलेगा, क्योंकि मैं भिवंडी में दोनों सीट चुनकर आ चुका हूँ बिना अलायंस के बाद जाने दीजिए, और मैं भिवंडी और मुंबई मानखुर्द शिवाजी नगर दोनों सीट एक साथ चुनकर आ चुका हूँ। भिवंडी मेरा घर है, मेरे लोग हैं, मेरे गाँव के लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, दोनों सीटों पर मेरा बहुत अच्छा प्रभाव है। हम नहीं चाहते हैं कि ये सीटें इंडिया अलायंस लूज कर दे, ये हमने अखिलेश जी उसके पार्टनर है ना, हमने बताया उनको ये बातें। अब आप जाइए मालेगांव धुलिया, वहाँ भी यदि समाजवादी पार्टी लड़ेगी तो माइनॉरिटी वोट पूरा मिलेगा, समाजवादी पार्टी नहीं लड़ेगी तो माइनॉरिटी वोट पूरा नहीं मिलेगा, ये आप सर्वे करा लो, पता लगा लो, कुछ भी कर लो, नहीं तो हम सीटें लूज कर जाएंगे। तो 5 सीटें अखिलेश जी ने कहा तो ऐलान किया है, और अखिलेश भाई बात कर रहे हैं, अभी मैं पवार साहब पर जाकर आया, उनको भी समझा गया हूँ मैं। लेकिन क्या अभी भी असमंजस है? क्या आपने तो ऐलान कर दिया ना, क्या अभी भी इसमें जो है कुछ कटौती हो सकती है क्या? कटौती नहीं करेंगे, हमारे पार्टनर लोग हैं, जानते हैं वो लोग हमको, महाविकास आघाड़ी सरकार लाना है तो कटौती क्यों करेंगे वो। लेकिन आप 12 सीटें मांग रहे हैं, 12 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, क्या आपको लगता है इस पर सहमति बन पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के लोग तो आपसे मिल ही नहीं रहे हैं? नहीं नहीं, कांग्रेस से मिले ना मुझे, फाइनल नहीं किए, मिले मुझे, बुलाए, चाय पिलाए, बिस्किट खिलाए, हंस के बात किए, मेरी बातों पे ना नहीं बोले, मिले मुझे और मिलेंगे आगे। मैं महायुति का एक हिस्सा हूँ और रहूँगा, मैं इस देश में सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ हूँ, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे फिर लोग आकर मस्जिदों में जा कर के वहाँ पर बोलेंगे हम मस्जिद में आकर के मारेंगे एक आदमी को और फिर उस पर मुकदमा नहीं होगा, फिर हम नहीं चाहते हैं कि आकर के यहाँ पर जब गणपति हो और हम गणपति में ठंडा पानी पिलाने जाएं और हमारे मस्जिदों के सामने पटाखा फोड़ के हमें चिढ़ाया जाए, हम नहीं चाहते यहाँ पर ये चीज़ें हो रही, यहाँ पर रोज़ाना ये हो रहा है। तो और जो देश के संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सरकार को हटाना महाविकास आघाड़ी का परम कर्तव्य होना चाहिए। अभी अभी आप शरद पवार से मिल के आ रहे हैं, क्या बात उनसे हुई, क्या और भी आगे सीटों पर कुछ उम्मीद है आपको? बहुत उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, पवार साहब बड़े नेता हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, पवार साहब ने कहा कि हम कल बताएंगे और सब ठीक हो जाएगा। कल पूरी जो है महाविकास आघाड़ी की क्या उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी पूरी? हम के पूरा उम्मीदवार भैया बिहान हो जाए, बिहान पक्का हो जाए। आपको और भी कितनी सीटें बढ़ के मिल सकती हैं मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 5 का तो आपने ऐलान कर दिया, और 3-4 सीट मिल जाए तो ठीक है। अबू आजमी थे, उन्होंने कहा कि 5 सीटों का हमने ऐलान किया और हमें उम्मीद है कि वहाँ पर हम ज़रूर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनके नेता अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया है और अभी वो शरद पवार से मिलकर आए हैं, उनकी बातचीत चल रही है और जैसे ही महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवारों की लिस्ट आती है उन्हें उम्मीद है कि 2-4 सीटें और भी उन्हें मिल सकती हैं। तो इस तरह से महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के उम्मीदवारों के नाम और लिस्ट को लेकर के जो है चर्चाएँ शुरू हैं और एक दो दिन में ये सब कुछ साफ हो जाएगा। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ राजेश त्रिपाठी, ABP न्यूज, मुंबई। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल ABP लाइव प्रीमियम।